हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का। ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का ये लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए की पैकेजिंग का मतलब क्या है, डीएनए हेलिक्स का जो पैकेजिंग का मतलब क्या है, कि उस डीएनए क्या क्या कैरी करता है, या उसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो कौन कौन से चीज़ें और कितनी मात्रा में कितने अमाउंट में कैरी करते हैं। अब हम कहें कि लेंथ कितनी होती है, कितने एंगस्ट्रॉम की होती है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ कि व्हाट इज़ द पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या है या डीएनए हेलिक्स क्या है। तो अब यहाँ देखेंगे कि पहला पॉइंट देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इन डीएनए इज कितनी है, पॉइंट पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री फोर या 0.34 एनएम या नैनोमीटर होती है। अगर हम इसे मीटर में कैलकुलेट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.34 × 10⁻⁹ मीटर की दूरी होती है दो बेस पेयर के बीच की। ओके, अभी हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन का जो डीएनए होता है उसमें टोटल बेस पेयर कितने होते हैं ये देखेंगे। तो कितना होता है, लगभग 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। ओके, लेंथ ऑफ डीएनए की देखेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए की टोटल लेंथ कितनी होती है, तो वो होती है 0.34 × 10⁻¹⁹ इंटू 6.6। मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को इसको या मतलब बेस पेयर और टोटल बेस पेयर को हम क्या करेंगे, बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस को और बेस पेयर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर कितना आता है, लगभग कितना आता है, 2.2 मीटर। ओके, तो 2.2 मीटर इज टू लार्ज टू एकोमोडेटेड इन द न्यूक्लियस। और ये क्यों क्यों क्या होता है कि 2.2 अगर मीटर का डीएनए है तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज है कि न्यूक्लियस में रह पाए। ओके, तो फिर आगे देखते हैं क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का अगर हम डीएनए देखें, अब यहाँ क्या है, ये लेंथ लेंथ तो बहुत बड़ी हो गई इसकी, लेकिन ये होता क्या है, अगर एक डीएनए की बात करें तो ये सब क्या होते हैं, ये थ्रेड के फॉर्म में होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, थ्रेड के फॉर्म में होते हैं। अब हम प्रोकैरियोट में देखते हैं कि डीएनए किस तरह का होता है या डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो प्रोकैरियोट अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, तो अगर आपने बैक्टीरियल सेल देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि फ्री फ्लोटिंग डीएनए पाया जाता है, या उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में होता है। इसके कहने का मतलब क्या है, फ्री फ्लोटिंग का मतलब क्या है कि जो जो डीएनए होता है उसके मतलब अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, या न्यूक्लियर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो वेरी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और डीएनए क्या है, निगेटिवली चार्ज है, वो तो हम सभी जानते हैं, फॉस्फेट की वजह से होता है निगेटिव चार्ज। तो डीएनए इज निगेटिवली चार्ज्ड, इज ऑर्गेनाइज्ड इन द लार्ज लूप एंड इज हेल्ड बाय द सम प्रोटीन, जो क्या होती है, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें कि यूकैरियोटिक में डीएनए कैसा होता है, तो ये हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए की, तो दे हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। इनके पास क्या होती हैं, बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं। जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में सबसे बड़ा डिफरेंस है, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ओके, यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये जो प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या होती है, एक राउंडेड बॉडी होती है जिसके ऊपर थ्रेड जो डीएनए के होते हैं वो लपेटे हुए होते हैं। ओके, तो फिर आगे देखते हैं कि दे हैव पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन।
पॉजिटिव एंड बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू। इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं? लाइसिन होते हैं एंड अर्जिनिन होते हैं। ओके, लाइसिन को हम आर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्जिनिन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टोन का ऑक्टामर जो होता है, हिस्टोन ऑक्टामर पाया जाता है, तो यूनिट ऑफ एट मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन ऑक्टामर अगर पूछा जाए क्या होता है, तो यूनिट ऑफ एट मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन के जब आठ मॉलिक्यूल की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, आगे देखेंगे कि लिखा है कि डीएनए निगेटिवली चार्ज वाइंड्स अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। जब देखो हिस्टोन प्रोटीन तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई और डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज हो गया, तो इनके बीच में क्या हो गया, एक तरह का अट्रैक्शन लगेगा। इसी वजह से क्या होते हैं, एक मतलब एक तरह का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि डीएनए बाइंड करता है हिस्टोन ऑक्टामर को और एक राउंडेड एक मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। समझ गए? तो ये क्या चीज है, न्यूक्लियस है, ये डीएनए हो गया, ये क्या हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गई। जैसे क्या लिखा, कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या हो गई, कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हो गई, ये हिस्टोन ऑक्टामर बना हुआ है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो एक न्यूक्लियोसोम होता है, वन न्यूक्लियोसोम हैज अप्रोक्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। जो एक न्यूक्लियोसोम होता है उसमें कितने बेस पेयर ऑफ डीएनए होते हैं, लगभग 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए के। न्यूक्लियोसोम इन अ क्रोमैटिन रिजेंबल्स, न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन रिजेंबल बीड्स प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। मतलब ये क्या रिजेंबल करती हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग को प्रेजेंट करते हैं। ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन आर फर्दर पैकेज टू फॉर्म द क्रोमैटिन फाइबर। ये क्या है, फर्दर एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग का, ये जो क्रोमैटिन और न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन का, ये क्या करते हैं कि ये मतलब फर्दर फॉर्म करते हैं, क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब हम इसे कहो, अगर हम कलेक्टिवली इसको नाम दिया जाए तो क्या कहेंगे, क्रोमैटिन फाइबर कह सकते हैं इसको। विच फर्दर क्वाइल एंड कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मेटाफेज। अब ये क्या करेंगे, फर्दर क्वाइलिंग होगी क्रोमैटिन फाइबर की और एक कंडेंस्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर बना लेंगे, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, मेटाफेज। हम मतलब इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कब, मेटाफेज में। ओके, फिर आगे देखते हैं कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कौन सी होती हैं, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट अ हायर लेवल। तो कुछ वो ऊपर तो हमने देख लिया हिस्टोन प्रोटीन की, लेकिन कुछ हिस्टोन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होती है। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं कि क्रोमैटिन कितने टाइप के होते हैं, तो एक यू क्रोमैटिन होता है, एक हेट्रोक्रोमैटिन होता है। जो यू क्रोमैटिन होता है वो क्या होता है, लूजली पैक्ड रीजन ऑफ द क्रोमैटिन विच स्टेन लाइट। इसका जो स्टेन होता है क्या होता है, लाइट होता है। ओके, तो वही चीज लिखिए, लूजली पैक्ड रीजन ऑफ द क्रोमैटिन विच स्टेन्स लाइट, जिसका स्टेन क्या होगा, लाइट होगा। हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, ये डेंसली पैक होता है, बहुत ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या होता है, डेंस्ड पैक्ड रीजन ऑफ द क्रोमैटिन विच स्टेन डार्क, इसका जो स्टेन होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है। ओके, फिर आगे देखते हैं दूसरा यू क्रोमैटिन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो हमने इसमें कई सारी चीज देख ली, अब हम आगे इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो मतलब बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, हेट्रोक्रोमैटिन क्रोमैटिन का भी के बीच का डिफरेंस हो गया, और ऊपर हमने देखा कि न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कौन कौन, जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती तो उसे हम क्या कहते हैं,
न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर होता है जिसके ऊपर जो डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज होता है और क्या करता है, वाइंड करता है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, फिर हमने यहाँ उसकी डिस्टेंस देखी कि कितने, मतलब एक बेस पेयर के या दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। टोटल नंबर आप बेस पेयर देखें अगर एक डीएनए में तो कितने होते हैं, 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। अगर लेंथ ऑफ द ह्यूमन डीएनए देखें तो लगभग 2.2 मीटर होती है। ओके, तो ये हमें, अरे हमने बात कर ली पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में, तो आगे हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल मतलब डिस्कवरी कैसे हुई कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है, इसका डिस्कवरी किसने किया और कैसे हुई, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।